बहादुरगढ़ विधानसभा क्षेत्र में दीपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए पसीना बहा रहे हैं बहादुरगढ़ के वरिष्ठ समाज सेवी व कांग्रेस डेलीगेट राजेश जून। जी हां दोस्तों, इस समय लगभग 12 बजने वाले हैं, तपती दोपहरी है, 42 डिग्री तापमान है और अपने तमाम सैकड़ों समर्थकों के साथ वार्ड नंबर 1 बहादुरगढ़ में डोर टू डोर करते हुए नजर आए हैं राजेश जून जी। बहादुरगढ़ विधानसभा का बीड़ा उठा लिया है आपने दीपेंद्र के लिए, आप भी अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ पसीना बहा रहे हैं, 12 बजने वाले हैं और डोर टू डोर कर रहे हैं। देखियो पत्रकार साहब संजय जी, जी बीड़ा तो हम सब कांग्रेसी वर्कर ने जी, बल्कि आप ये कहोगे कि हर समझदार मतदाता ने बहादुरगढ़ का दीपेंद्र हुड्डा जी के बारे में बीड़ा उठा लिया है, क्योंकि पिछले 5 साल का काल देख के हर समझदार आदमी को, पढ़े लिखे आदमी को ये समझ आ गया है कि बहादुरगढ़ हलके का अगर कोई विकास दोनों प्रत्याशियों के बीच अगर विचार किया जाए दीपेंद्र हुड्डा जी के भी बारे में और डॉक्टर अरविंद शर्मा के बारे में, तो बहादुरगढ़ के विकास के बारे में, छत्तीस बरादरी के भाईचारे के बारे में, महंगाई के बारे में दीपेंद्र हुड्डा ही एकमात्र ऐसे नेता हैं जो लोगों के काम आने वाले हैं। तो मेरा तो एक कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते, एक इंसानियत के नाते कि हमने जो भी यहाँ प्रत्याशी हुआ अच्छे आदमी की हमने मदद करनी चाहिए, इंसानियत के नाते हमारा फर्ज बनता है कि हम दीपेंद्र हुड्डा जी का प्रचार करें, हम उनके वोट मांगे, ज़्यादा से ज़्यादा वोट पोल करने की अपील करें। तो उसी सिलसिले में हम ये सभी दीपेंद्र हुड्डा जी के को जो अच्छा मानते हैं वही लोग इकट्ठा होकर के घर घर अपील कर रहे हैं। चलिए, एक सफल रैली बहादुरगढ़ के इतिहास में आपने बड़ी शॉर्ट नोटिस में, ये चर्चा है पूरे बहादुरगढ़ ही नहीं झज्जर जिले में चर्चा है कि राजेश जून ने बड़े शॉर्ट नोटिस में दीपेंद्र हुड्डा के समर्थन में एक बड़ी रैली आयोजित की और अब आपने फिर से संकल्प ले लिया है कि एक बार फिर से जैसे जैसे चुनाव मतदान की तिथि नजदीक आ रही है राजेश जून फिर सड़कों पर उतर आए हैं दीपेंद्र के समर्थन में। ये मेरा इस हल्के का लाड प्यार है, हमारा पिछले तकरीबन ये कहो कि 89 से मैं इस शहर में अपना ऑफिस बना के बैठा हुआ हूँ, जो 89 को आप कह सकते हो 35 साल हो गए। 35 साल में हमने किसी का भगवान की दया से उलाना तो लिया ही नहीं है, दुख सुख में काम आने की कोशिश करी गई है, हमेशा लोगों के साथ रहने के लिए, सामाजिक कार्यों में आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने के लिए अपनी औकात के अनुसार मैंने काम करने की कोशिश करी है जी। लोगों का अपने आप भी मन है, लोगों का अपने आप मन ये है कि लोगों ने जो भाजपा का प्रत्याशी 5 साल बढ़ के देख लिया, दीपेंद्र हुड्डा जी को भी पहले बढ़ के देखा है, तो लोगों ने दोनों की तुलना कर ली, दोनों के तुलना में दीपेंद्र हुड्डा जी का अरविंद शर्मा जी का कोई मुकाबला नहीं है। दीपेंद्र हुड्डा जी बहुत आगे हैं, दीपेंद्र हुड्डा जी यहाँ के विकास के बारे में सोचते हैं, दीपेंद्र हुड्डा जी यहाँ के रोजगार के बारे में सोचते हैं, दीपेंद्र हुड्डा जी महंगाई के बारे में सोचते हैं, और दूसरी पार्टी सिर्फ और सिर्फ धार्मिक भावनाओं को छेड़ते हैं, भाईचारे को बिगाड़ते हैं और भाईचारे को बिगाड़ के फूट डाल के राज करके वोटों को हड़पते हैं। और ये दीपेंद्र हुड्डा जी एकमात्र ऐसे सांसद हैं जो आम आदमी की, गरीब आदमी की, छत्तीस बरादरी का सब की सुनते हैं और यहाँ की विकास की चिंता करते हैं। उनके टाइम में जो विकास हो गया, इन 5 सालों में 0 विकास हुआ, तो लोगों का खुद का भी मन ये हो गया है कि भाई हम इस बार दीपेंद्र हुड्डा को वोट दें। और मैं भी अपना, मेरा भी अपना भाईचारा अच्छा है, काफ़ी है, तकरीबन ज़्यादा नहीं को तो मैं मानता हूँ मेरा या काफ़ी संख्या में मेरा भाईचारा, मैं भी अपने भाईचारे से अपील कर रहा हूँ, जिस किसी भाई का ध्यान नहीं है वो खाली टीवी देखता है, अखबार पढ़ता है, वो धार्मिक भावनाओं में बह हुआ है, मोदी की तरफ है, बीजेपी की तरफ है, तो उनसे हम भी जाके ये 4 बात करते हैं तो वो भी हमारे कहने से दीपेंद्र हुड्डा की तरफ मन बना लिया है, उन्होंने भी दीपेंद्र हुड्डा को वोट करने जा रहे हैं। और आने वाले समय में आप देखना जी कि जो चर्चा है कि बहादुरगढ़ हल्के से पहले चर्चा क्या वास्तव में रहा है, पहले 2 बार थोड़ी थोड़ी वोटों से हार गए थे, वो कि देहात में अच्छी लीड थी, शहर में काफ़ी डाउन थे, इस बार शहर से भी लीड लेके निकलेंगे दीपेंद्र हुड्डा जी, शहर वासियों ने अपना ये मन बना लिया है, बहादुरगढ़ हल्के से काफ़ी वोटों से लीड लेंगे। देखिए बहादुरगढ़ बदलाव तो मांगेगा ही, क्योंकि बहादुरगढ़ को ये जरूर दिख रहा है कि जो विकास का पहिया, जो एक आगे डेवलपमेंट का पहिया चला था बहादुरगढ़ गुड़गांव और जो है नोएडा की तर्ज पर बहादुरगढ़ में विकास होना शुरू हो गया था, चाहे आप मेट्रो से ले लीजिए, बाईपास से ले लीजिए,
जो भी बड़ी बड़ी हमारे यहाँ पे फुटवेयर पार्क बड़ा उससे ले लीजिए, जो बादरगढ़ विकास का पहिया चला चला था वो वहीं रुक गया है। मेट्रो का एक भी पिलर, एक सिंगल पिलर भी आगे नहीं बढ़ा है, ना ही जो बाईपास आगे बढ़ने थे वो बने हैं, जो 2022 में मास्टर प्लान में जमीन एक्वायर होकर के नए हाईवे बनने थे वो नहीं बने हैं। कहने का मतलब ये है कि जो जहाँ पर बादरगढ़ को दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने छोड़ा था उसके एक कदम भी आगे बादरगढ़ का विकास नहीं बढ़ा, बल्कि पिछले 5 साल में बादरगढ़ 10 साल के चले जाने इन्होंने काम करा है और आने वाले समय में सभी को कौन उनके लिए काम कर रहा है, चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी के लिए किसी ने सारे हल्के हल्के को भी कहा, चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी उनके लिए जी जान से मेहनत कर रहे हैं और आने वाले समय में संसद में भी और चंडीगढ़ की विधानसभा में भी बादरगढ़ काम कराने के लिए दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी सजग है। आज वार्ड नंबर 1 से आपने ये डोर टू डोर प्रचार शुरू किया है राजेश जून जी के साथ में, तो क्या सभी वार्डों में जाएंगे? जी बिल्कुल, 31 के 31 वार्ड में और 31 के 31 गांव में हर घर तक पहुंचने का हमारा लक्ष्य है और हम इलेक्शन से पहले पहले इस लक्ष्य को जरूर पूरा करेंगे।